ऊपर वाले ने क्या कहा था, एक रास्ते बंद होते तो 10 रास्ते खुलते होते। तो अगर टिकटॉक बंद हो गया तो टिकटॉक की जगह इसने एक वीडियो आ गया, टकाटक आ गया, यहाँ तक कि प्ले स्टोर के बड़े इंस्टाग्राम ने धारिक रील्स लॉन्च कर दिया, यूट्यूब जैसे बड़े अपने शॉर्ट लॉन्च कर दिया। तो गाइस एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, इसलिए निराश मत होना। और दूसरी बार अगर यूट्यूब बैन होता है तो यूट्यूब वालों को क्या होगा, तो यूट्यूब वालों का कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। ये यूट्यूबरों का शेर यहाँ सब तुम्हें पागल दिखेंगे। कोई कहता है मनोज थे ये बन जाएगा, जोगी बन जाएगा, सब भिखारी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर यूट्यूब बंद होता है तो नया रास्ता खुल जाएगा, कैसे खुलेगा वो तो अभी हमें नहीं पता, फ्यूचर की बात है। और पहली बार यूट्यूब तो बैन नहीं होगा, यूट्यूबर का कुछ नहीं होगा, यहाँ सब तुम्हें पागल लिखेंगे। कोई गेम खेलता हो पागल लिखेगा, कोई वीडियो बनाता हो पागल लिखेगा, कोई ब्लॉग बनाता हो, पर कोई वो पागल नहीं है, वो यूट्यूबर है। एक बुरी मिसाल है अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ होता है। तो अगर एक टीचर का लॉकडाउन में धंधा बंद हुआ था तो उसका धंधा किसने चलाया, यूट्यूब ने चलाया, बल्कि उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ, स्टूडेंट्स का ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जितने स्टूडेंट्स के घर पे आती है उसके ट्यूशन सेंटर पे आके पढ़ते थे, उससे ज़्यादा वो ऑनलाइन पढ़ने लगे और इससे ज़्यादा बेनिफिट उसका होने लगा। या उनको फीस नहीं देनी पड़ती थी और वहाँ उसकी डबल इनकम होती थी यूट्यूब से। जो मेरे दोस्त एक रास्ते बनाते तो 10 रास्ते खुलते हैं, इसलिए यूट्यूब बैन होगा तो यूट्यूबर को कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मैं इस वीडियो को जो है ना, अगर मेरे इस वीडियो पे अगले 3 दिनों पे 500 व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं 10 डेज तक डेली वीडियोस अपलोड करूँगा। यार 500 व्यूज़ कंप्लीट करना तो भाई को दिल खुश कर दो। और आज वीडियो का लाइक है ओनली 50 लाइक्स और 500 व्यूज़। और कमेंट्स तो भैया आप लोग भी मर्जी करो नहीं करो। और मिलता है वीडियो में, जब तक अपने और अपना घर वालों का ख्याल, और चैनल तो सब्सक्राइब मार दो 1000 सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा। मिलता है वीडियो में, जब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।